हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज एक नए प्लांट केयर के साथ आई हूँ और आज का जो हमारा प्लांट वीडियो है फ्रेंड्स, वो है जूही प्लांट की देखभाल कैसे करें और इसमें ज़्यादा फूल लेने के लिए आप कौन कौन से खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। ये जूही का प्लांट है फ्रेंड्स, ये गर्मियों में फूल देता है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये बंचेस में फ्लावरिंग देता है, फ्लावरिंग करता है। तो इसमें आप इसके बर्ड से, इसकी कलियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी सारी फ्लावरिंग होती होगी। बहुत सारे बर्ड्स बने हैं इसमें। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी पॉटिंग मिक्स की यानी कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें। वैसे तो आप सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं इस प्लांट को, लेकिन ध्यान रखें कि पानी बैलेंस्ड वे में डालें, तभी आप मिट्टी में लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसकी पॉटिंग मिक्स, जो गमले की मिट्टी है, उसमें एक हिस्सा मिट्टी के साथ एक हिस्सा रेत, बालू, बजरी भी जिसको बोलते हैं सैंड, वो मिला सकते हैं साथ में। या तो वर्मी कंपोस्ट मिला लें एक हिस्सा, या फिर उसमें आप गोबर की पुरानी, एक दो साल पुरानी खाद मिला सकते हैं। और सारी चीज़ों को मिलाकर आप इसमें इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो गमले की मिट्टी पोरस बन जाएगी। तो इसमें जब भी आप पानी डालते हैं तो पानी बहुत आसानी से निकल जाएगा, लीक आउट हो जाएगा, और आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा। दूसरी बात, सनलाइट यानी कि धूप इस प्लांट को कितनी ज़रूरत होती है। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इन प्लांट्स को ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर आप इन प्लांट्स को अच्छी धूप प्रोवाइड करते हैं तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है अगर प्लांट्स को धूप अच्छी मिलती है तो। अगर कम धूप मिलती है आपके प्लांट को तो हो सकता है कि आपके प्लांट में फूल आना भी कभी कभी बंद हो जाते हैं, और या तो फूल आना बहुत कम हो जाते हैं। ये दो चीज़ें हो सकती है अगर धूप कम मिलता है आपके प्लांट को तो। आप इस प्लांट को प्रोपेगेशन की बात करें तो कटिंग से लगा सकते हैं बहुत आसानी से। अभी बरसात का वक्त है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। कटिंग जब भी लगाते हैं तो इसकी थोड़ी सी जो स्टेम मोटी होती है, ब्रांचेस जो मोटी हो, टहनियाँ, उसको लिया करें कटिंग लगाना हो तो, वो जल्दी लग जाती हैं। अब बात करते हैं पानी की। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया फ्रेंड्स कि पानी आप इस गमले में तभी डालें जब इसकी मिट्टी सूखने लगती है, तो बैलेंस्ड वे में पानी डालें तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप कौन कौन से खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप इस प्लांट में सबसे अच्छा जो खाद होता है फ्रेंड्स, वो गोबर की खाद होती है। वो आप महीने में, हर 15 दिन में एक बार डाल सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग अगर आपको चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए सबसे अच्छा होता है सरसों की खली, जो मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है फ्रेंड्स कि सरसों की खली का इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपका 8 से 10 इंच का गमला है तो उसमें 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर मिलाकर उसमें पानी डाल दिया करें। तो सरसों की खली बहुत न्यूट्रिशियस होती है प्लांट्स के लिए, बहुत बेनिफिशियल भी होती है। इससे कीड़े मकौड़े नहीं लगते हैं प्लांट्स में, और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और फ्लावरिंग तो ज़बरदस्त होती है, भर भर के फ्लावरिंग होगी। अगर आप सिर्फ मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली का ही इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, तो फ्रेंड्स इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और भी खाद की ज़रूरत होगी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। क्योंकि सरसों की खली एक ऐसा खाद है जो सिर्फ सरसों की खली ही डालने से आपके प्लांट में फूलों से आपके प्लांट को भर देती है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सरसों की खली का। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो भी आप, मैंने बता दिया फ्रेंड्स, कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इसमें बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच 2-3 महीने में एक बार डाल सकते हैं इसकी मिट्टी में, और पानी ज़रूर डाल दें। इसके अलावा आप पोटाशियम भी डाल सकते हैं 1 चम्मच महीने में एक बार, गमले के साइज़ के हिसाब से। अगर 10 से 12 इंच का गमला है तो 1 बड़ा चम्मच डाल के इसकी मिट्टी में गुड़ाई करके मिला दें और पानी डाल दें फिर, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है आपके प्लांट में। कीड़े मकौड़ों की बात करें फ्रेंड्स, तो नीम ऑयल का छिड़काव करें अगर आपके प्लांट में कोई भी कीड़ा लग जाता है तो। नीम ऑयल 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे किया करें हर 15 से 20 दिन में, तो आपके प्लांट में कीड़े मकौड़े भी नहीं लगेंगे और आपका प्लांट भी हेल्दी बना रहेगा। तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो था जूही प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स, कि इसकी देखभाल कैसे करें। तो आई होप आप लोगों को प्लांट वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।